आज वो डिश हम बना रहे हैं वो बहुत क्यूट सी और बहुत प्यारी सी डिश है। आज मैं आपको आलू के क्रिस्पी बॉल सिखा रही हूँ। क्रिस्पी बाइट भी कह सकते हैं, क्रिस्पी बॉल भी कह सकते हैं, और लोग इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। एक तरीका मेरा भी है। अच्छा, इनके लिए जिन इन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, आपने इस डिश के लिए सबसे पहले आलू लेने हैं। आलू आपने चार मैंने दरमियाने आलू ले लिए हैं। आप चार दरमियाने आलू का मतलब ये है कि ये आधा किलो में तकरीबन एक आलू कम समझ लें आप दरमियाने आलू, ठीक है। और ये देखिए, ये कुटी मिर्चें हैं, मैंने दो चमचे लिए हैं, भर के लिए हैं। आप ज़रा कम ले लीजिए अगर कम खाते हैं चपटा। और ये मैंने नमक लिया है, एक चमचा नमक लिया है। और ये मैंने लहसुन लिया है, लहसुन मैंने दो टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। दो टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेने के बाद ये देखिए, ये चावल का आटा है। चावल का आटा मैंने ये एक प्याली भर के ले लिया है, ठीक है जी। ये हमारे मुख्तसर से इंग्रेडिएंट थे, देख लीजिए सबके सब। ये देखो भाई, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। पोटैटो वगैरह भी दिखा दो भाई, ये देंगे, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आलूओं को धो रही हूँ। आलूओं को अच्छी तरीके से आप धो लीजिए। आलू को धोने मतलब मैं इसीलिए धो लेती हूँ कि मिट्टी वगैरह लगी होती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो मिट्टी समेत हम पतीले में डाल के आलू उबाल लें। तो ये मैंने आलू मैंने धो लिए हैं, और आलू धोने के बाद मैं इन्हें पतीले में डालूंगी बॉयल होने के लिए, और इन्हें बॉयल होने को रख दूंगी, ठीक है। ये देखें, ये मेरी वही पतीली है जिसमें मैं अमूमन आलू उबालती रहती हूँ। और बॉयल करने के लिए चीज़ मैंने ये अलग ही पतीली एक रखी हुई हैगी, क्योंकि अक्सर बॉयल करते करते पतीली का कलर जो है अंदर से चेंज हो जाता है, और बाकी बर्तन ख़राब करने से बेहतर है हम एक पतीली मखसूस कर लें, एक बर्तन मखसूस कर लें, और उसी में हम जो भी हमें बॉयल करना हो जैसे आलू वगैरह हैं तो हम उन्हीं में बॉयल करेंगे। अब मैंने आलू इसमें रख लिया अपनी पतीली में, मैं इसे चूल्हे पर रखूँगी, और इनको जब तक ये बॉयल नहीं होते तब तक इनको चूल्हे पर रहने दूँगी। और उसके बाद मैं इन्हें निकाल के इनको इनका छिलका वगैरह उबाल कह रही हूँ छिलका इनका उतार के आपके सामने दिखाऊँगी। आपके सामने क्या दिखाऊँगी, आपको सभी को पता है आलू छिलका उतार के बॉयल हो किस शक्ल के होते हैं, वो मैं आपको सामने रखूँगी। उसके बाद जो काम होता है वो आपने असल में देखना है, वो देखिएगा कि फिर मैं क्या कर रही हूँ, ठीक। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने आलू उबाल के रख लिए हैं, और अब मैंने इन आलूओं का क्या करना है। ये मैंने अपना बर्तन रखा, और बर्तन के अंदर ये मैंने आलू डाल दिए, और आलू डालने के बाद आलू को मैंने क्रश कर लेना है। क्रश कर लेना है हाथ से इसे, क्या करना है, हाथ से फोड़ लेना, मैं तो कहती हूँ हाथ से फोड़ लेना हाथ से इसे छोटा छोटा इस तरह बारीक बारीक कर दीजिएगा, ठीक है जी। जब ये थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक हो जाए, बारीक बारीक क्या, ये आपस में मिल जाए इस तरीके से, छोटे छोटे टुकड़े भी ना रहे इसके, बड़ा बारीक सा कर लीजिएगा। चाहे आप तो इसे चिप्स कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन चिप्स कटर ज़रा मुश्किल हो रही क्योंकि बॉयल होने के बाद आलू का खासा नरम हो जाता है, और वो फिर संभालने में उधर दिक्कत हो, ठीक है जी। ये मैंने कर लिया, छोटे छोटे से हो गए बिल्कुल ही। अब इसके बाद मैंने इसमें क्या करना है ये देखें जी, इसके अंदर मैंने ये डालना है चावल का आटा एक प्याली, और इसके बाद इसमें मैंने दो चमचे कुटी मिर्चें, अच्छा जी, और एक चमचा नमक, एक टेबल स्पून नमक का, ठीक है जी। और अब ये मैंने लहसुन का एक चमचा लहसुन का पेस्ट ये मैंने डाल दिया। मैंने आपको बता दिया था ना, अगर ये एक चमचा लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, सारे लहसुन मैं निकाल लेती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ इसके अंदर, बिल्कुल प्याली साफ़ कर दी मैंने, ठीक है। ये लहसुन का एक चमचा मैंने पेस्ट डाला, सिर्फ लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट मैंने नहीं मिलाया है इसमें, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मिर्चें मुझे लगता है मुझे चेंज करवानी पड़ेंगी, जो खासी भाँस आती है मिर्चों में, ठीक है जी। ये देखें, ऐसे करके आपने इसे मिक्स करना है, और अब मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें खिलाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा पानी मैंने डाला, थोड़ा डालिए, एकदम से ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, ठीक है, वरना ये आपके जो है ना बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। एकदम नरम भी नहीं करना है हमने, थोड़ा सख्त सख्त भी रखना है। ये देखिए, ये सारा का सारा मैं मिलाती जाती हूँ, और ये सब मिलके बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बन देगा, ठीक है जी।
असल में मिर्चे जो हैं बहुत ज्यादा तेज हो गए भाई, ये वाली बहुत धांस आती है इन मिर्चों में से, इन सारी मिर्चों को चेंज करना पड़ेगा मुझे इससे पहले कि मेरी रेसिपी मजीद खराब हो। ये देखिए ये इस किस्म का बन गया है, ठीक है जी। और ये मैंने ये सारा का सारा आपस में लपेट दिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत तरीकों से कर सकते हैं, ऐसे चाहें इस तरीके से करके आप इसके ऐसे छुरी से कट लगा लीजिए, यानी कि ऐसे करके ये आपने ऐसे करा, ठीक है जी। अभी मैं करके भी दिखाती हूँ आपको, ये करा आपने इस तरीके से और ऐसे करें। जब ये आपने बॉल बनानी होगी वैसे तो आप ऐसे कर लीजिए, पूरा गोल गोल कर लीजिए, और उसके बाद आप ऐसे करके यूँ करके ऐसे ही आप छुरी से कट मार के कर सकते हैं। लेकिन हम किस तरीके से करें, अभी मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, आपको सबसे ईजी तरीका बताती हूँ, सबसे आसान तरीका। ये देखें, ये तो मेरा मटेरियल रेडी हो गया। अभी मटेरियल रेडी हो गया, अब मैं क्या करूँ, आप देखिए। सबसे पहले मैंने एक पतीली इसके ऊपर रख दी है चूल्हे के ऊपर, उसमें तेल गर्म होने को रख दिया है। अभी मैं तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूंगी, यानी इसकी जो ज़्यादा गर्म हो गया है वो लाइट पे आ जाए, इतने ज़्यादा हीट नहीं रहे, वरना जो मैं बॉल बना के इसके अंदर डालूंगा एकदम से ऊपर से तो पक जाएंगे या जल जाएंगे और अंदर से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। मेरा कच्चे क्या रहे ना, आलू हमारे उबले हुए, मटेरियल सारा पका ही हुआ है, लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा। तो अब मैं यही करूँगी कि इसकी आँच जो है, अगर ये जब ये फुल हो जाएगा तो इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे कर दूँगी, आँच कंट्रोल भी आ जाएगी मेरी, ठीक है। अभी ये तेज़ आँच पे रखा है, जब ये आँच हल्की हो जाएगी और मैं बॉल तैयार कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बॉल तैयार करने और इसमें डालने हैंगे, ठीक है। अब देखें, ये मैंने इसमें से थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा मटेरियल लिया, और इसके बाद मैंने हल्का सा पानी अपने हाथ पे लगाया और इसे जो है गोल गोल ऐसे बना लिया, ठीक है जी। ये बॉल बन गई और ये बॉल बन गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना मिस कर गई हूँ, वो चीज़ ये है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, अभी मैं बता रही हूँ। ये आपने थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी लेना हैगा, ठीक है, कॉर्नफ्लोर लेना। अच्छा, ये आपका ऑप्शनल है, अगर लेना चाहें तो ले लें। आपने ये कॉर्नफ्लोर लिया और कॉर्नफ्लोर में इसमें आपने अपनी बॉल को ऐसे डिप करा, ऐसे डिप करा, ऐसे डिप करा, और इसके बाद ये बॉल आपने अब तेल के अंदर डाल देनी है। अब ये बॉल मैंने ये डाल दी अंदर, ठीक है जी, और इसको मैंने स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा मैंने, और इसको जो है ये मैंने चला लिया। अब ये देखें, ये आँच मेरे कंट्रोल में है, बिल्कुल भी आँच इसकी कोई नुकसान नहीं पड़े, तो मैंने फिर फ्लेम ज़्यादा कर दिया और आँच तेज़ करने के बाद मैंने इसे मज़े से अपनी मर्ज़ी से चलाते रहना है, कोई नुकसान नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, और ये आराम से पक जाएगी। अब ये आपके पास कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो नहीं यूज़ करें। अब मैं एक आपको कॉर्नफ्लोर में बना के दिखा दिया, लेकिन अब जो दूसरा मैं बनाऊंगी, बाकी जो बनाऊंगी, असल में मुझे कॉर्नफ्लोर के बगैर ही अच्छे लगते हैं डायरेक्टली, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के, वो भी अच्छे बन जाएंगे, आपकी मर्ज़ी से आप यूज़ करें या ना यूज़ करें, ठीक है जी। ये पक रहेगा, अभी ये पक जाता है मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरीके का है ये। मेरी मिर्चें ज़रा ना मुझे बाज़ार से चेंज करनी पड़ेगी, जब भी मैंने डाल रही हूँ तो मैंने महसूस करी मेरे घास आती है। ये मेरे कैमरामैन को भी खांसी आती है, मुझे भी खांसी आने लग जाती है। खाले चेंज ही करेंगे, पूछेंगे भाई दुकानदार से क्या दे दिया तुमने मिर्चों की जगह, क्या बनाना चाह रहे हो हमें भाई, खांसी का मरीज, ठीक है जी। ये देखिए ये हो गया, और अच्छा ये रेसिपी मैंने क्यूट इसलिए बोली है, देखिए कितनी ईजी और सिंपल है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन बच्चों को पसंद आने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें मिर्चें जो है ना वो थोड़ी कम ही डालिएगा, क्योंकि बच्चे, कुछ बच्चे तो खाते हैं चटपटा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो इतना चटपटा नहीं खा पाते, ठीक है। और ये शाम के स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करें, चाय के साथ, पर ज़बरदस्त आपको तारीफ़ी कलमा सुनने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये आज चाहें तो आज ही बनाइए शाम की चाय के साथ, क्योंकि आजकल मौसम भी अच्छा हो गया है, और इसमें चाय के साथ शाम में ये सब करेंगे तो और मज़ा आएगा। आपके जो भी घर वाले में पूछेंगे भाई क्या बना लिया है नई डिश, ओके भाई खाओ और बताओ तो है कैसी, तारीफ़ के काबिल है तो तारीफ़ मिलेगी, और अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी होगी तो हो सकता है आपको तारीफ़ ना मिले, बल्कि पूछेंगे भाई क्या करती रहती हो, ठीक है जी। ये देखें, ये मेरा हो गया रेडी, अब मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने प्लेट में रख दिया, ठीक है। अब मैं और भी बनाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं फ्लेम को हल्का करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो डालना है वो एकदम से वरना जल जाएंगे या ओवर हीट हो जाएंगे, ओवर डन हो जाएंगे, ठीक है जी। चले जी, मैंने सबके सब एक साथ बना लिए, ठीक है।
ये मैंने एक साथ बना लिए और अब मैं इनको एक साथ ही डाल दे रही हूँ। ठीक, ये देखिए ये मैं डालती जा रही हूँ और अभी मेरा हाथ लगते लगते बचा है इसमें। थोड़ा एहतियात से डालिएगा, गर्म पतीली आएगी, हाथ जलते जलते रह गया मेरा, जलते जलते खा नहीं रहा, हल्का सा गर्म लग जाता, थोड़ी सी तकलीफ़ होती, पर अभी मैंने सारे डाल दिए इसमें। ठीक है, हीट मैंने कमी रखी थी और अब मैं इसको ऐसे हल्की से चमचे से चला देती हूँ और हीट मैंने बढ़ा दी, आग मैंने बढ़ा दी है और अब मैं इसको फुल आंच पे कर रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाएगा, इसकी शेप बिगड़ने का डर होता है। ठीक है जी, ये अब ये पकते रहेंगे, जब ये पूरे फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि किस चक्कर के, बल्कि दिखा तो चुकी हूँ मैं, ये उसी तरीके से सारे के सारे फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़, जब तक ये फ्राई हो मैं इनसे पास या फटिएगा नहीं कहीं बद इत्यादि करें हट जाए तो फिर ये नीचे से पक्के रह जाएंगे, पलटना भी होता है इनको, पलटना क्या रखिएगा इनको। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दीजिए, अगर थोड़ी देर ये चूल्हे पर रह जाए तो सख्ती पकड़ लेते हैं, फिर इन्हें घुमाना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैं इन्हें आगे पीछे कर देती हूँ इन बॉल्स को, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉल होती हैं। अच्छा, अगर आपने इनका जायका बढ़ाना हो तो इनके अंदर एक क्यूब डाल दीजिए, चिकन क्यूब, तो और जायका बहुत ज़बरदस्त जायका बन जाएगा और खाने में मज़ा भी आएगा। और एक बात और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाइएगा, छोटे बॉल बनाने, बाद में कैमरे से लगता है ये बॉल बहुत मोटे मोटे हैं, लेकिन ये इतने मोटे मोटे नहीं, गुलाब जामुन के साइज़ के नहीं है भाई, ये बहुत छोटे छोटे हैं ये, और ये देखने में बड़े बड़े लग रहे हैंगे। ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह फ्राई होने देना है, और मैं फ्राई होने दे रही हूँ, जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इकट्ठा दिखाऊंगी। और अभी एक काम जो मैं कर रही हूँ अपने मटेरियल के साथ, वो भी आप देख लीजिए। आओ देखिए, जो काम मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि कॉर्नफ्लोर आप मेरे ख्याल ऊपर से ना ही लगाएं तो अच्छा है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें डालिए, थोड़ा सा आप इसमें से पानी डालिए और इसको मिक्स कर लीजिए इसके साथ। ठीक है, थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं, अगर कॉर्नफ्लोर आप लगाना चाहें तो बेशक लगाइए, लेकिन ये कि ऊपर से नहीं लगाइएगा, ये तरीका या तो आप बगैर कॉर्नफ्लोर के यूज़ कर लें, या अगर लगाना चाहें तो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसके फिर से बॉल्स बना लूँगी, बॉल्स बनाने के बाद फिर मैं डालूँगी और आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये बॉल मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, पानी लगा हल्का सा से करा, घुमा घुमा के गोल गोल सी बॉल बना ली, जो शेप देना चाहें वो शेप दे लें, लेकिन मैं क्योंकि ये करंची बॉल बना रही हूँ तो मैंने बॉल की ही शक्ल देनी हैगी। ठीक है जी, चले देखें क्या कर रही हूँ मैं। लगे हुए बॉल जो बनाए थे वो बॉल भी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए सारे मैंने एक साथ बना लिए थे और मैं सारे के सारे एक साथ डाल रही हूँ। लो फ्लेम रखना है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, लो फ्लेम डालते वक्त बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम हो, तरह से भी आँच ज़्यादा ना हो, और अगर आँच ज़्यादा होगी तो आपका मटेरियल एकदम से जलने की पोजीशन में आ जाए, हो सकता है जल भी जाए, हो सकता है ना जले, लेकिन ये एहतियात बेहतर है। तो ये मैंने डाल दिए हैं, अब इनको मैं चलाती हूँ और थोड़ी देर को ऐसे रहने देते, फिर उसके बाद मैं इन्हें घुमाती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये मैं इसको चला रही हूँ, थोड़ी देर आपने नहीं चलाना है ताकि इसकी शेप जो है ना उसको कोई नुकसान ना पहुँचे चमचे की, टक्कर वक्कर लगने से पता चले, टक्कर लगे एक साइड से ये पिचक जाए। तो ये मैंने बना रही हूँ, घुमा रही हूँ और इस तरीके से ये बनते चले जाएंगे थोड़ी। अब आप आँच जो है वो ही जो है वो तेज़ कर सकते हैं, फ्लेम को हाई कर सकते हैं और आराम से ये बनते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो इसमें मिर्चे ज़रा कम ही रखिएगा, क्योंकि ये बड़े चटपटे से हैं, अभी जो मैंने दो चमचे लिए हैं मिर्चों के साथ, कुटी मिर्चों के, तो आपने जो है इसे कम मिर्चें लेनी है और कम मिर्चों के साथ इसे बनाना है। अगर तेज़ मिर्चें पसंद है तो बेशक दो चमचे ही लीजिए, नमक मैंने थोड़ा कम रखा था, आप अपने हिसाब से नमक रख लीजिएगा, ज़ायका कर लीजिएगा, मैंने एक चमचा रखा आप डेढ़ चमचा रख लीजिएगा। और मैंने अभी आपको बताया अगर इसमें आप एक क्यूब मिलाते हैं, वैसे तो इसके बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने आपसे सबसे ईजी तरीका आपसे शेयर किया है, अगर आप इसमें एक चिकन क्यूब मिला लेते हैं तो और आपका इसका ज़ायका इन्हेंस हो जाएगा, ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये ज़ायका किसी तरह कम नहीं है। इन्ग्रीडियंट मैंने कम ही रखे हैं, आपको पता है मेरी कोशिश होती है इन्ग्रीडियंट कम हो और चीज़ जो है बेहतरीन और टेस्टी बन जाए। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये आलू के क्रिस्पी बॉल बने हैं, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, ये वाले जो हैं कॉर्नफ्लोर मिले हुए हैं, थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, यानी समझ लें कि एक टेबल स्पून डाला होगा मैंने, हाँ आप भी एक टेबल स्पून डाल लीजिएगा इसमें, जो थोड़ा सा मेरा मटेरियल बचा था, और अगर आप सारे मटेरियल में डालना चाहें तो दो टेबल स्पून में डाल लीजिएगा,
और इस तरीके से ये कॉर्नफ्लोर भी मिल जाएगा तुम्हें। और अगर ना मिलाना चाहे, जैसे मैंने शुरू वाले में नहीं मिलाया, कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी पे, ऑप्शनल में बार बार कह रही हूँ आपसे, वो ऑप्शनल है। तो ये आपके क्रिस्पी आलू के बॉल तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकालती हूँ, दिखाती हूँ, हीट में थोड़ी सी लो कर देती हूँ, लो फ्लेम कर देती हूँ ताकि निकालने में मुझे आसानी हो। और ये देखें जी, ये निकल रहे हैं, और मुझे तो ख्याल आ रहा है, बल्कि मुझे देखने में ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन निकल रहे हैं। हालांकि एक चटपटा जायका है, इसे गुलाब जामुन सोचेंगे उसका जायका समझ लें, ऐसी बस जहन में इसका इमेज ख़राब हो जाए, गुलाब जामुन मत सोचिएगा इसे, बल्कि इसे आलू के क्रिस्पी बॉल ही जहन में रखिएगा, चटपटे किस्म के। ठीक है जी, ये देखें ये सारे बन गए हैं, अभी मैं रखे भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये आपके ज़बरदस्त किस्म के आलू के चटपटे से क्रिस्पी बॉल तैयार है। ये देखिए जी, मैंने एक ये तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है आलू, तो पहले हमारा बॉयल था, थोड़ा सा चावल काटा जो था वो भी पक गया हमारा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, और ख़ास तौर पर इन्हें चाय के साथ सर्व कीजिएगा, शाम की चाय के साथ अगर सर्व करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होता हैगा, और बहुत ही मज़ा आता है इन्हें खाने में, और शक्ल से बड़े खूबसूरत से लगते हैं। इनमें जो ये आता है ना, ये कुटी मिर्चों का शक्ल थोड़ी थोड़ी सी दिखती है कि ये बड़ी प्यारी सी लगती हैगी, देखने वाले जिसके सामने आप पेश करें वो शौक़ से उठाएगा खाने के लिए। और शौक से उठाने के बाद अगर आपने इंग्रेडिएंट बिल्कुल सही रखें, मिर्च नमक चख लीजिएगा अब इसका, जब आप मटेरियल बनाएं जैसे मैंने बताया वही कीजिएगा। अगर आप अपने लिहाज से, अपना आपका जायका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो नमक मिर्च के लिहाज से, तो आप उसको चख लीजिएगा और अपने लिहाज से उसको सेट कर लीजिएगा। तो अगर ये जायका आपका सेट हो जाएगा, जायका क्या सेट हो जाएगा, मिर्च मसाला अगर आपके लिहाज से सेट है, आपने समझा कि बिल्कुल ठीक है, तो आपका जो भी ये चखेगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। ठीक है जी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हर मेरी रिवायत आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब करा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करा तो कर लीजिए। और इसको इतना मूव नहीं करूँ भाई, एक जगह रख लो सुकून से। ठीक है जी, तो आप अभी मैं क्या कह रही थी भाई, हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि अगर आप लाइक करना चाहें तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट लिखना चाहें, अगर दिल चाहे, वैसे आजकल दिल भी चाहता है लेकिन लोग कहते हैं टाइम कम है, कौन लिखे, देखते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है अगर कोई कमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि कमेंट्स पढ़ने इतना मज़ा आता है, लेकिन जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ भाई कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता हैगा, नया नया जो चैनल शुरू करता हैगा तो उसको ऊपर ही रखें आप। तो जी, अगर आप भी कमेंट लिखना चाहें तो आप कमेंट्स लिख दीजिए, और ताकि मुझे भी लुत्फ आएगा। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, तो फिर उसके बाद से मैंने भी कमेंट्स देना शुरू करे, ये सबसे अच्छी बात तो ये हुई, इंसान अपने आप से इब्तिदा शुरू करता है, तो मैंने अपने आप से इब्तिदा करी और मैंने लोगों को कमेंट देना शुरू करे, और मुझे उसमें बहुत लुत्फ आया जब लोगों ने उसका रिस्पॉन्स दिया। तो आप भी अगर चाहें तो आप भी ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और जो आपके और सब्सक्राइब तो मैं कह ही चुकी हूँ, आप सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करना है शेयर करिए। बहरहाल ये रेसिपी तैयार होगी, अब आप तैयार करें इसको, अगर दिल चाहे तो आप इसे तैयार कीजिए। आलू के क्रिस्पी बॉल बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ईजी रेसिपी, इसलिए मैंने शुरू में कहा था ये बहुत क्यूट रेसिपी है, बच्चों के लिए भी हो और बड़ों के लिए, बड़े तो बैठे बैठे इसमें ख़त्म कर जाएंगे इसको। ठीक है जी, तो ये बनाइए और लुत्फ़ उठाइए। अल्लाह हाफिज़।